देखो मटन बन रहा है। अभी अपना पार्टी नहीं खत्म हुआ। करती है। पता नहीं किसको देख रहा है इतना गौर से। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। और आज हो चुका है भाई 21 तारीख, दो दिन और बस रांची छोड़ने, मतलब रांची ट्रिप पे जाने के लिए। तो आज उठे हैं, अभी जा रहे हैं भाई कॉलोनी के दोस्तों के पास सरस्वती पूजा तैयारी कुछ कुछ। तो वहाँ से आते हैं, फिर शायद से आज निकलेंगे कहीं कहीं कुछ कुछ सामान लेना हमको मेन रोड शायद से, तो वहाँ निकल सकते हैं। तो देखते रहो बस एसपी लाइफ के साथ, सपोर्ट करते रहो। तो अभी घर आए थे और फिर दोबारा से जा रहे हैं। आज ये मटन का प्लान बनाया आज दोस्त लोग के साथ, तो वही अभी निकल रहे हैं दोस्त लोग। तो वही घर पे नहीं बन रहा है, दोस्त लोग दुकानी से बनवा के घर तरफ आकर खाएंगे, वही प्लान है। मतलब खाएंगे क्या, हम नहीं खाते, उन लोग खाएगा, हम बस ये मैं साथ में। तो निकला जा भाई अब। देखो मटन बन रहा है क्या। तो भाई अपना आज का मतलब दोपहर का खाना रुपये दिखा रहे हैं। स्टार्टर के लिए हो रहा है केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, बहुत ही काला है। नेक्स्ट अपना स्टार्टर पड़ रहा है ये अमूल का चॉकलेट, क्या बोलते हैं इसको, आइसक्रीम, चोको चिप्स। और फाइनली ये हम नहीं खाते, ये इन लोग के लिए है, लेकिन हम खाली देख ले रहे हैं। मेरा ये है मेन और कोल्ड ड्रिंक है मेन। तो अभी मस्त पार्टी वार्टी करते हैं फिर निकलते हैं। तो अपना भाई मेन कोर्स ख़त्म हो गया, अपना नहीं इन लोग का मेरा नहीं। तो अभी बस ये बचा है, तो ये भी ख़त्म करके निकलते हैं थोड़ा कुछ है। तो देखो भाई तैयारी इधर ही हो रहा है सरस्वती पूजा का। अभी अपना पार्टी नहीं ख़त्म हुआ, पार्टी ख़त्म होने के बाद चला जाएगा इधर का काम करने लगाना, मतलब 70-100% अपना देना चाहिए खाने पर भी और ये सब पर भी। भाई थोड़ा ज़्यादा सा सामान हो गया, इसी वजह से अब कोल्ड ड्रिंक इधर से नहीं किया जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया खाना पीना, स्टार्टर भी। ये देखो इतना सा केक खाया भी नहीं गया, तो अब इसको घर ही पर रखवा रहा है। तो हो गया अब यहाँ का सब कुछ, अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब चलते हैं। तो हम घर आ चुके थे अभी 2 घंटा पहले ही, और अभी बज चुका है 4:10 हो रहा है। तो फिर डीजे को घुमाने निकलेंगे, आराम हो गया अब जो भी, उसके बाद जाएंगे कॉलोनी तरफ फिर से दोस्तों के पास, और फिर आकर कुछ कुछ ट्रिप का मुझे करना ही है पैकिंग, तो वो करते हैं। तो अभी चलते हैं डीजे घुमाने पहले, उसके बाद निकलते हैं। ये रहा हमारा, चलो भागो। पता नहीं किसको देख रहा है इतना गौर से, घूमने आए थे तभी। आज का मौसम बड़ा मस्त है, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा धूप है, ना ज़्यादा ठंडा है, ना ज़्यादा छाँव है, एकदम मिडिल का मौसम चल रहा है रांची का, बहुत मस्त। तो फाइनली आ चुके हैं घर, 7:15 हो गया है, और अभी देखो अभी पैकिंग की ओर बढ़ रहे हैं, अभी से शुरू कर रहे हैं पैकिंग। परसों ही निकलना है, कल कुछ जो जो छूटेगा वो चीज़ हमको कल खरीदने जाना है। तो बस अभी वही है, अभी पैकिंग ही करेंगे उसके बाद। तो आधा पैकिंग तो हो चुका है और अभी कल पूरा हो जाएगा, आधा कुछ है। तो अभी आराम से बस अब मतलब इंतज़ार ही कर सकते हैं अब परसों का, हम तो बहुत बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। तो आज शाम का आखिरी चाय आ गया, मतलब आखिरी चाय नहीं बोल रहे, मतलब शाम का चाय आ गया मस्त, कल आखिरी होगा, बहुत दुख है, कल इन लोगों को छोड़ के जाएंगे। अरे मतलब यहाँ का आखिरी होगा, बताओ मिस करेगी ना ब्लॉगर को सब दिखावा है गाइस, सब दिखावा है आजकल का किसी को भरोसा नहीं है, कोई मिस नहीं करने वाला है अपना, हम ही जाके वहीं बस भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम जा रहे ट्रिप करने? हाँ तो ट्रिप पे जा रहा है तो नहीं दोस्तों, ओवर एक्टिंग नहीं था, ये सब प्री प्लान नहीं था कुछ भी, सब रैंडम है, तो सपोर्ट दिखाते रहना, रैंडम है। बताओ क्या स्टार्ट करती है? हाँ ब्लॉगिंग ना, देखो
पहली आईएएस बनेगी अपने घर की। मतलब इतना जो हम मतलब चाय पे चर्चा बहुत देर हुआ, बहुत फालतू फालतू बातें हुई। तो हो गया भाई रूम का चर्चा, तो अब चलते हैं डीजे घुमाने। 8:30 हो चुका है, तो इस वजह से वैसे आज इतना ठंडा नहीं है, लेकिन टोपी फिर भी पहन ली क्योंकि शीत गिर रहा है ना, तो बाल मतलब समझ लो चिपका चिपका हो जाता है बाल, इस वजह से हम पहन लेते हैं टोपी अभी। ठंडा वैसा नहीं, अब पता नहीं दिल्ली जाएंगे तो भाई कैसा, दिल्ली जाएंगे तो कैसा ठंडा रहेगा वो हमको नहीं मालूम। बस क्योंकि भाई दिल्ली जाएंगे तो वहाँ तो काफ़ी ठंड रहेगा यहाँ के मुकाबले, यहाँ तो रांची में कुछ ठंडा ही नहीं है, एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल है एकदम। तुझे कहाँ भागा? तो आ चुके हैं घर, आज थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है मेरा बहुत, मतलब थोड़ा सा ही कर रहा है। फिर हमको उठना पड़ेगा शायद 3:30 रात में, क्योंकि मेरे मामू आ रहे हैं तो उनको लेने जाना पड़ेगा मुझे 3:00 रोड पे तक। देखो भाई ठंडा के दिन में लाना मतलब रात में समझ लो बहुत ही बैड रहता है, हालत ख़राब, उल्टा से नींद भी बीच में खुल जाता है 3:00 बताओ, आधा नींद मतलब। देखो अभी तो भाई खाए पिए नहीं है, खा पी के अभी सोएंगे, तुरंत ही सो जाएंगे आज क्योंकि बोले ना सर दर्द भी कर रहा हल्का। तो देखो हो सके तो 3:00 वाला के क्लिप दिखाएंगे इसमें आज के ब्लॉग में, नहीं तो आज रात में ही ख़त्म करते, लेकिन दिखाते 3:00 वाला भी, इसके बाद ही एंड करते फिर ब्लॉग को रात का ठंडा में देखना। तो आ चुके हैं गाइस रात का 3:00, अगर दिख रहा होगा धुआं तो नहीं, पूरा हर तरफ अंधेरा, और आज मेरे साथ रजनीश भी है। एक दिक्कत हो गया, आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में बताते क्या दिक्कत हो गया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वैसे रात का 3:00 और ठंडा है भाई, पूरा सुनसान सड़क है। तो देखो भाई रात का 3:00 है, 3:30 हो चुका है, इन लोगों को लाने भर में बज गया 3:30, फिर से इन लोग आ चुका है यहाँ, अब इन लोग हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो अब यहीं करेगा इन लोग स्कूलिंग, छोटा छोटा लोग मतलब रह रहा है बगल में ही रह रहा है अब इन लोग, इसका भाई भी आया हुआ है, इसका भाई को सुबह में दिखाते हैं, अभी नहीं है। कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? हाँ। बोलो क्या? कुछ भी बोलो। लो बन गया वीडियो, आओ वीडियो में। और क्या करेगा? तो अभी दिन में सो नहीं रहे हैं क्योंकि अभी चाय का इंतजार कर रहे हैं, चाय बन रहा है उसके बाद पी के सोएंगे, है कि नहीं? चलो भाई आ गया अपना 3:00 का चाय, 3 AM का चाय, आज के बाद फिर अब ट्रेन में पियेंगे 3:00 तक। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, प्यार दिखाओ, अब कल डायरेक्ट जब सुबह उठेंगे तभी वीडियो स्टार्ट करेंगे, प्यार दिखाओ इस लाइफ को, सपोर्ट करो। चलो बाय बाय, गुड नाइट।